अगर किसी को ये पता लगा कि ये सामने वाला थर्ड आई मास्टर है और उसको सब पता लग रहा है, तो लगता है भाई कहीं दुबक जाओ, सब पता। मेरे सामने एक बार ऐसा हुआ भी था कि कोई बोला कि नहीं आप थर्ड आई मास्टर, आपको तो सब पता लग रहा होगा। सर ये बड़ी बात इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसे आप देख रहे हो, आप कुछ देख रहे हो, जहाँ फोकस कर रहे हो वहाँ पे आप देख रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें आसपास हो रही होती हैं। इसी तरह से आप बहुत कुछ सुन रहे होते हो, पर जब आप फोकस करते हो तो ही होता है। इसी तरह अगर कोई थर्ड आई मास्टर है और वो जानना चाहता है कि सामने को क्या है, किस तरह से है, तो वो कर सकता है। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है यूनिवर्स का, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल एथिक्स। और मैं शामनिज्म भी फॉलो करती हूँ, जो कि हमारा बहुत पुराना सनातनी तरीका है। ये है कि भले आपको पता भी चले तो आप उतना ही, जैसे कहते हैं ना, जिसका जितना है उसका पूरा सम्मान। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई मेरे सामने है और मैं देखने लग जाऊं और उसे ये लगे कि ये मुझे जज करेंगी, तो ये एक बहुत दुखद स्थिति हो जाएगी मेरे हिसाब से। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए मैं आपके बारे में, जो आप हो, आपके अंदर गुस्सा है, दिक्कत है, परेशानी है, मैं सिर्फ उतना ही अभर आपको देखूं और उसके आधार पर मैं आपके बारे में राय बनाऊं, वो मेरे से बड़ी उसमें मूर्खता नहीं होगी, मैं बहुत बड़ी मूर्ख होंगी। क्योंकि जो कुछ आपके अंदर से अभी बाहर आ रहा है वो आपकी परिस्थिति और आपने इतने सारे जो जन्म लिए हैं उन जन्मों का रिजल्ट है, जिससे आप सम टोटल आप सामने आ रहे हो। अगर तो मेरे अंदर इतना ज्ञान है कि मैं आपके वो सभी जन्मों को देखूं, आपकी पूरी जर्नी को देखूं और फिर आपको कुछ बोलूं, तो समझ आती है बात। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे मौन रहना ही मेरी समझदारी होगी। तो यहाँ पर ऐसा है कि कई ऋषि, जैसे हम लोग कथाओं में सुनते हैं कि ऋषियों को पता, हम कहते हैं ना आप तो अंतर्यामी हो, तो कई जो हैं वो उतने डेवलप, ये भी रेंजेस हैं, मैंने आपको बताया ना कि जैसे थर्ड आई के लेयर्स होते हैं, तो जितना लेयर्स खुलता जाता है उस लेयर में इतने डीपर, जो जैसे वो ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, जैसे हम लोग अपने पितामह को देखते थे, आपने देखा होगा पितामह ऐसे देखते थे, तो जब देखते थे तो वो जैसे और जिन्होंने भी ये महसूस किया हुआ, ऐसा लगता था जैसे वो गहराई में, जो आत्मा की गहराइयों में यस उतर गए। तो जो उतर गए, कभी पितामह ने किसी को जज किया है? यही बात हम सबको जाननी है। वो ब्रह्मर्षि हैं तो वो देख सकते हैं, जो थर्ड आई मास्टर हैं वो जान सकते हैं, ओनली अगर आप परमिशन देते हो। और अगर परमिशन नहीं दे रहे हो और कोई तांग झांक कर रहा है, इसको हम लोग सॉसरी बोलते हैं शामनिक लैंग्वेज में, और वो नहीं करना है।